हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तस्मिया की दुनिया। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे अंडा और ब्रेड का बहुत ही टेस्टी मजेदार सा हलवा, जिसे खाने के बाद आप मिठाइयों को खाना ही भूल जाएंगे। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम लेंगे फुल फैट मिल्क 300 ml। उसके बाद इसको हम पहले हाई फ्लेम पे एक उबाल आने देंगे, उसके बाद हम फ्लेम को धीमा कर देंगे और धीमी आंच पे इसे पकाएंगे। तो जैसे कि ये 300 ml है, तो पकते पकते ये 200 ml तक हो जाएगा, तब तक हम इसे पका लेंगे। तो यहाँ पे मेरे पास है ब्रेड, तो छोटे वाले ब्रेड है, तो मैं 5 से 6 ले रही हूँ। अगर आपके पास बड़े हो तो आप 3 या 4 ले सकते हैं। उसके बाद हम इसके ब्राउन पार्ट्स को निकाल देंगे, इसकी साइड्स को, और इसको रखेंगे एक साइड में। तो चलिए नेक्स्ट प्रिपरेशन करते हैं। तो यहाँ पे हमने ले लिया है 2 अंडा, उसको हम निकाल लेते हैं। फिर इसमें हम डालेंगे 200 ml के करीब दूध। तो दूध डालने के बाद हम इसे अच्छी तरीके से फेंट लेंगे, ताकि अंडा और दूध बहुत ही अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है ना, तो वो दानेदार जो हलवा बनके तैयार होता है वो बहुत ही जबरदस्त लगता है। अगर आप एक बार इसको बनाएंगे ना, तो मिल्क केक वगैरह खाना ही भूल जाएंगे। तो यहाँ पे हमने 1/2 लीटर दूध का इस्तेमाल किया है। आप अपने हिसाब से क्वांटिटी कम या ज्यादा कर सकते हैं। तो बस इसी तरीके से अच्छे से फेंट लेंगे। दूध भी काफी हद तक रिड्यूस हो गया है, काफी गाढ़ा हो गया है। इसको हम ऐसे साइड से खुरच लेंगे, तो इसमें रबड़ी जैसा फ्लेवर आएगा, बहुत ही अच्छा सा। तो बस आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से दूध पक रहा है। थोड़ी देर इसको हमें और पकाना है, 5 से 6 मिनट के लिए। तो चलिए आगे की तैयारी करते हैं। तो पैन में लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब देसी घी, उसमें हम अपने ब्रेड को हल्का सा रोस्ट कर लेंगे। रोस्ट करना बिल्कुल भी ऑप्शनल है, पर अगर करेंगे तो बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट आएगा और लुक भी बहुत ही अच्छा आएगा। जैसे मिल्क केक में रहता है ना, जो मिल्क केक मिठाई होती है उसमें रहता है कुछ ब्राउन पार्ट्स, वैसा ही इसका लुक आएगा। तो आप लोग इसे जरूर बनाइएगा और कैसा लगा जरूर बताइएगा। तो ये अच्छे से रोस्ट हो गया है, इसको हम तोड़ के रख लेते हैं साइड में। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं, वीडियो पहली बार देख रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो यहाँ पे सब चीज रेडी हो गया है, दूध भी अच्छे से पक गया है, गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसमें डालना है जो अंडा और दूध का हमने घोल तैयार किया था, वो डालेंगे और ऐसे मिक्स करते हुए इसे पकाएंगे। ये हलवा बनाना जितना आसान है, खाने में उतना ही टेस्टी और लाजवाब लगता है। तो आप लोग इसे जरूर ट्राई करिएगा, बहुत जल्दी बन जाता है। इसमें अच्छे से फ्लेवर के लिए हम डाल देंगे इलायची पाउडर थोड़ा सा, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, ताकि जो अंडे की स्मेल रहती है वो नहीं आएगी। इलायची पाउडर डालने से जरूर डालिएगा। तो इसे मिक्स करते हुए हमें पकाते रहना है, फिर उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हमने ब्रेड को तोड़ के रखा था। तो आप चाहे तो नॉर्मली ब्रेड को मिक्सी में डाल के ग्राइंड कर लीजिए और डाल दीजिए, पर ऐसा करने से बहुत ही अच्छा दानेदार हमारा हलवा बन के तैयार होता है। तो बस मिक्स करते हुए पकाना है, बस इतनी सी इसमें मेहनत रहती है कि इसे चलाते रहना पड़ता है। मैं आपको पास से दिखाती हूँ ये कितना दानेदार बन के तैयार है। अब इस टाइम पे हमको डालना है चीनी। तो यहाँ पे हमने 1 कप चीनी लिया है, 150 ग्राम के करीब है ये। आप अपने हिसाब से भी मीठा रख सकते हैं, जैसा आपको पसंद है। चीनी डालने के बाद हमें इसे मिक्स करना है। चीनी जब पिघलती है तो ये थोड़ा सा लिक्विडी फॉर्म में होता है, फिर कोई बात नहीं, इसे मिक्स करते हुए हमें पकाना है 7 से 8 मिनट के लिए। तो आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी सा ये हलवा हमारा तैयार हो रहा है। बस इसे पकाते ही रहना है, पकाते ही रहना है। आंच को हमें मीडियम रखना है, ना एकदम स्लो करना है ना हाई। थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल रही हूँ, बिल्कुल ऑप्शनल है, पर डालेंगे तो अच्छा रहेगा, टेस्ट भी इन्हेंस हो जाएगा। और ये पता कैसे चलेगा कि मतलब हमारा हलवा बन के तैयार है, तो घी डालने के बाद ये ना इकट्ठा होने लगता है ऐसे इस तरीके से। तो अब इसमें हम डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स में हमने लिया है बादाम और पिस्ते बारीक कटे हुए। आप अपने पसंद के हिसाब से जो आपको पसंद हो आप उसको डाल सकते हैं। तो जब इस तरीके से ये इकट्ठा होने लगे तो समझ लीजिएगा कि हलवा हमारा बनके तैयार है। तो बहुत ही अच्छा टेस्टी सा दानेदार सा बनके तैयार है, आप लोगों को भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। आई होप कि ये टेस्टी और आसान सी हलवे की रेसिपी आप लोगों को पसंद आई हो। अगर पसंद आई तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।